जो भी बेगूसराय के लोग देख रहे हैं, अगर टॉनसिप आ रहे हैं, अगर आप बीएमपी आ रहे हैं, तो वो मेला अब देखने को नहीं मिलेगा। जो 20-25 साल से मेला लगता था, वो मेला अब ख़त्म होने पर है। पूरा जो है मज़ा किरकिरा हो जाएगा। 2-3 दिन बाद मेला शुरू है, ना झूला है ना दुकान है। ये पूरा ऐतिहासिक बेगूसराय जो है मेला के लिए माना जाता था। आप प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, आप मेला नहीं संभाल सकते, फिर आप क्या संभाल सकते हैं? जब आप एक छोटा सा मतलब मेला नहीं संभाल सकते हैं, 5,000 लोगों का एक समूह नहीं संभाल सकते हैं, फिर आप क्या संभाल सकते, किस क्या संभालने के लिए हैं? बेगूसराय का सबसे प्रसिद्ध पर्व जो है दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जहां बड़े धूमधाम से सभी लोग जो है कपड़े खरीदते हैं और भारी संख्या में जो है मार्केटिंग होती है कि मेला घूमेंगे कपड़ा पहन पहन के। लेकिन वो सपना जो है कहीं ना कहीं टूटने को दिख रहा है, जहां पर एक बड़ा झटका मेला घूमने वाले लोगों को लगने वाला है। क्योंकि मेला जो है कहीं ना कहीं बीएमपी का और रिफाइनरी टाउनशिप का जो मेला था, पूरे बेगूसराय में चहल पहल देखने को मिलता था। लेकिन अभी मायूसी वाला खबर ये आया है कि बीएमपी प्रशासन के द्वारा हाथ खड़ा कर लिया गया है कि हम जो है ना कोई दुकान लगाएंगे, ना ही कोई भी जो है झूला लगाने देंगे। जिसके बाद पूरा जो है प्रांगण आप देख सकते हैं, पूरा मैदान खाली है, कोई झूला नहीं लग रहा है, कोई दुकान नहीं लग रहा है। और अभी हम रिफाइनरी टाउनशिप में आए हुए हैं। इस दुर्गा पूजा आए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ हमारे राधा रानी शॉप पर, जहां लेडीज एवं किड्स वेयर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन खास आपके लिए। तो आज ही आए राधा रानी शॉप, अग्रसेन मार्ग मेन रोड बेगूसराय, जहां पर देख सकते हैं कि ये दिखाइए, ये कई एक वर्षों से 20 से 30 साल यानी पहले से जो है यहां झूला लगता होगा और सभी लोग झूलते होंगे। लेकिन आज जो है ये पूरा मैदान कहीं ना कहीं खाली है, क्योंकि झूला जो है प्रशासन ने मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है, क्या है कारण, ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन कहने हैं ये है कि बीएमपी में जो मेला लगता था, वो कहीं ना कहीं वो बंद करने के कारण रिफाइनरी पर जो लोड आता, इस कारण जो है झूला वगैरह कैंसिल कर दिया गया, एक भी दुकान नहीं लगता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए मीना बाज़ार लगेगा, अगले साल हो सकता है कि ये वहाँ मेला लगना बंद हो जाएगा। तो हमारे बीच कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सौरभ जी बताइए क्या हुआ, पूरा जो है मज़ा किरकिरा हो जाएगा, 2-3 दिन बाद मेला शुरू है, ना झूला है ना दुकान है। ये पूरा ऐतिहासिक बेगूसराय जो है मेला के लिए माना जाता था, बेगूसराय में बीएमपी जो माना जाता था, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि मेला जो होता है मजदूर वर्गों के लिए होता है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है उनके लिए बाहर दिल्ली जाना, बम्बई जाना घूमने के लिए, उनके लिए एक शौक होता है अपने बच्चों को मेले में लेके जाना। जो भी उनकी क्षमता होती है वो उस अकॉर्डिंग करते हैं। झूला इस बार नहीं लगा है, जिससे उनको काफ़ी निराशा मिलेगा, क्योंकि हर साल पूरे मनोबल बना के रखते हैं लोग कि दुर्गा पूजा का मेला लगेगा और बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप के अंदर बीएमपी के अंदर जाएंगे मेला घूमने के लिए, वहाँ पे झूला एंजॉय करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा उनको उनके बच्चों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, बड़े पैसे वाले तो कहीं पे भी चले जाते हैं घूमने के लिए, दिल्ली बम्बई किधर भी चले जाते हैं, लेकिन मेला मेन मजदूर वर्गों के लोगों के लिए होता है। कपड़ा उपड़ा सब खरीद लिया है, कोई कोई लहंगा घाघरा मतलब क्या क्या नहीं, शर्ट पैंट जो है सरारा गरारा सब खरीद रखा है। बीएमपी में तो पूरा मैदान खाली है, तो बिल्कुल 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 अब नहीं संभलेगा। आप प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, आप मेला नहीं संभाल सकते, फिर आप क्या संभाल सकते हैं? जब आप एक छोटा सा मतलब मेला नहीं संभाल सकते हैं, 5,000 लोगों का एक समूह नहीं संभाल सकते हैं, फिर आप क्या संभाल सकते, किस क्या संभालने के लिए हैं? देखिए सालों से प्रथा चलते आ रही है, प्रथा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखने को तो ऐसा ही मिल रहा है कि मेला जैसे पहले सर्कस खत्म हो गया, अब ऐसा ही लग रहा है कि मेला भी अब धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि खत्म होते जाएगा। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। नगर निगम चाहती तो जिम्मेदारी ले सकती थी, लेकिन नगर निगम भी जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार है। मैं एक वीडियो में देखा कि कहीं पे झूला पर भी फुटकर वितरता को हटाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह रहे हैं कि आप परमिशन लेके कहां लगेगा, कोई मजा तो किरकिरा हो गया, आप तो कोई बिल्कुल बीएमपी आने का कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, बहुत लोग को नहीं मालूम। बिल्कुल, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इधर बछवारा साइड से आते हैं, पूरे बेगूसराय मुंगेर उंगेर सिमरिया से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं बरौनी रिफाइनरी का मेला घूमने के लिए। लेकिन काफ़ी निराशाजनक रहेगा उनके लिए
कि यहाँ पे मेला नहीं लगा, इस बारी झूला नहीं लगा। मेला तो लग रहा है लेकिन उस हिसाब का मेला नहीं लग रहा है जैसे पहले लगा करता था। बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहाँ मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे यानी कि बचपन में। तो आज ही आए अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगला रोड बेगूसराय। ये जगह नहीं दे रहा, बोल रहा है हमसे मेला संभरेगा नहीं। अच्छा, मेला नहीं संभरेगा तो तुम लोग है किस लिए? अच्छा, मेला को संभालना उनका काम है। मेला नहीं, बोल रहे नहीं संभरेगा। और सबसे बड़ी बात ये है जो कमांडेंट साहब जो हैं सो साहब हैं, इसलिए जो बोल रहे हैं सो नहीं, सब पूजा उजा बंद करो। अच्छा, कमांडेंट के कारण हो रहा है? हाँ, कमांडेंट के कारण हो रहा। और दूसरी बात ये है जो मेला हमसे नहीं संभरेगा और ये जो है सो मेला हम नहीं लगाएंगे, हमको जगह देना नहीं है मेला में। इसका जो है जितने भी श्रद्धालु हैं ये सब जो है सबको भुगतना पड़ेगा 19 लाख रुपया, 18 लाख रुपया ग्राउंड के लिया जाता था। अच्छा, अभी 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, मेला नहीं लगेगा तो कौन देगा उसको? अच्छा, इसीलिए मेला तोड़ रहा है सबको, सबको निराशा हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है नुकसान जो है गरीबों को भी होगा, और खासकर जो उत्साह मेला में जो है देखने को मिलता था वो मेला देखने को नहीं मिल सकता। देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा जाइंट व्हील लगता था, डीजे डिस्को सभी लगता था, और यहाँ आज मैदान खाली है। जो भी बेगूसराय के लोग देख रहे हैं, अगर आप टाउनशिप आ रहे हैं, अगर आप BMP आ रहे हैं, तो वो मेला अब देखने को नहीं मिलेगा। जो 20-25 साल से मेला लगता था वो मेला अब ख़त्म होने पर है। अगर आपको घूमना है तो आइए, माता का दर्शन कीजिए। कुछ मीना बाज़ार जो टाउनशिप में लगा है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। बाद बाकी झूला उपूला जो लगा है वो सब कैंसिल हो गया, BMP ने कंप्लीट जो है अपना मेला उठा लिया है। इसलिए सोच समझ कर आइए, कहीं और घूमने चले जाइए, या आना है तो मीना बाज़ार और भगवान के दर्शन कर लीजिए। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, जहां हम आपको जागरूक किए कि मेला घूमने का जो सपना लोग यहां देख के आए थे वो कहीं ना कहीं खेला हो गया उनके साथ। क्या और बरौनी रेपंडी अप टू मंदिर शिव मंदिर दुर्गा पूजा के, और खाने पीने का भी व्यवस्था अच्छा सा फैसिलिटी दुकान भी लगा हुआ है। आप लोग को मेला घूमने के लिए बहुत सा चीज़ लगा हुआ, ओनली झूला का आइटम नहीं लगा हुआ है। मन तो लोग का वही करता था। हाँ, वही तो मेन चीज़ मेला का वही था। अब तो BMP वाला भी ख़त्म हो गया तो दिक्कत तो होगा है ना? 100% से दिक्कत होगा। दिक्कत होगा। त्योहार के सीजन में करिए शॉपिंग सुमंगल वन के 50+ ब्रांड्स के नए और ट्रेंडिंग डिजाइन के साथ, जहां आपको मिलेगा ब्रांड्स पर जबरदस्त ऑफर आपकी खरीदारी पर। तो आज ही आइए सुमंगल वन, डाक बंगला रोड, कालिया स्थान, बेगूसराय।